శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆండమాన్ నికోబార్ నుండి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకున్న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడికి ఘన స్వాగతం పలికిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్, ఏపీ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాసరావు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రభాకర్, చింతల రామచంద్రరెడ్డి, కిషన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు పార్టీ నాయకులు. ये निर्णायक सरकार, हर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने फैसले किए। पहले एक सरकार चलती थी जिसको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, फैसले टाले जाते थे और समस्याएं दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी, कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। इस तरह से देश में सरकार चलती थी, इसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार. दो साल के बाद हम ये भी सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहले 10 साल तक घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार चली. 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार लोगों के सामने आए. हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और घोटाले बाहरा है. 2 साल की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में, 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में, एनडीए की सरकार के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा. मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है देश भर के सार्वजनिक जीवन के लिए, का समाधान करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए तत्परता दिखाने वाली ये सरकार है. कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उसके समाधान के लिए तत्काल सरकार आगे आती है और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अहर्निश मंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोग प्रयास करते हैं.